देखिए आज के लेक्चर में आप लोग क्या पढ़ोगे, कोई भी पदार्थ आपको गिवन है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनसे रिलेटेड कुछ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लिक्विड की स्टडी कर रहे हैं और लिक्विड में अगर हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं, पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, तो ये लिक्विड की ही प्रॉपर्टी होती है जिसको स्टडी करने के लिए आपको उससे पहले इन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। सरफेस टेंशन आपको क्या बताया गया? सरफेस टेंशन क्या होती है? किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो भी एरिया उसका फ्री है, जो किसी और बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, बिल्कुल फ्री है, उस फ्री एरिया पे क्या होगा, वो कम से कम सरफेस एरिया को कवर करने की कोशिश करता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। इसी की वजह से क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ग्लास में अगर हम पानी या कोई लिक्विड लेते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो आपको फ्लैट दिखाई देता है बीच में से अगर आप देखोगे तो ये किसकी वजह से है? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड कम से कम एरिया को कवर करने की कोशिश करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाती है। और आपको पता है किसी भी सिस्टम में स्टेबिलिटी कब आती है? जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। ठीक है, तो वो जो सरफेस टेंशन है उससे रिलेटेड यहाँ पे दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है एडहेसिव फोर्स और एक होती है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में? आसंजक बल। और कोहेसिव फोर्स जो होती है वो होती है सासंजक बल। ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स जैसे कि नाम से भी क्लियर है, जो एडहेसिव्स आप यूज़ करते हो, जैसे ग्लू हो गया, गम है, फेविकोल है, तो यहाँ पर क्या है, एक तरह का अट्रैक्शन की फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। एडहेसिव फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स ऑफ एडहेशन। ठीक है, ये क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थ, दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले, मान लीजिए ये कोई बीकर है और इसमें हम कोई भी लिक्विड लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं और ये जो बीकर है इस बीकर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वहाँ पर क्या होगा, इंटरेक्शन होगा बीकर के मॉलिक्यूल का और लिक्विड के मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे लिक्विड और बीकर के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी उसी को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ एडहेशन, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। दैट मीन्स एडहेशन क्या है, दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसको हम क्या कह रहे हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन या एडहेसिव फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम लें वाटर वेट्स ग्लास सरफेस, अगर आप किसी ग्लास में पानी को लेते हो तो पानी क्या करता है, उसके सरफेस को वेट कर देता है, गीला कर देता है। या कह सकते हो कि अगर आप किसी ग्लास है, कोई प्लेन ग्लास आपको दिया हुआ है, क्लीन है, और उस पर पानी छिड़कते हो तो पानी उस पर एक तरह से चिपक जाता है, वो जो चिपकना है उसका, वो जो उसको वेट कर रहा है, उससे चिपक रहा है, वो किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ एडहेशन की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन की फोर्स लगती है जिससे कि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। राइटिंग विद द पेन, जैसे ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, इस पर हम इंक से लिख रहे हैं, तो इंक इसके ऊपर रुक कैसे सकती है, जब दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स हो, जब ये इसको क्या करे, वेट कर सके, इस पर चिपक सके। ठीक है, तो यहाँ पर इंक और इस बोर्ड के बीच में भी क्या लग रहा है, एडहेशन का फोर्स लग रहा है। या जैसे पेंसिल से, आप लेड पेंसिल से लिखते हो तो उसमें क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो पानी पेपर पर चिपकता चला जाता है आप जैसे जैसे उसको लिखते हो, तो वो भी क्या है, एडेशन की फोर्स होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे फेविकोल हम यूज़ करते हैं इन जनरल, दो सब्सटेंस को चिपकाने के लिए, पेपर चिपकाने के लिए फेविकोल का यूज़ करते हैं, क्योंकि फेविकोल में क्या होता है, एडेशन की फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, या जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें सीमेंट का यूज़ किया जाता है ब्रिक्स को स्टिक करने के लिए, एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, तो वहाँ पे जो सीमेंट है उसकी एडहेसिव फोर्स को आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इससे अलग होती है कोहेसिव फोर्स। यहाँ पर अलग कहने का क्या मतलब है, फोर्स ऑफ कोहेशन मतलब सासंजक बल क्या हो गया, एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, दोनों क्या है, आकर्षण के ही प्रवृत्ति की हैं, ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हैं,
ये क्या था, अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में लग रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स लगती है उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स, सासंजक बल। ठीक है, अगर हम इसकी हेल्प से सॉलिड, लिक्विड और गैस को देखते हैं, आपको पता है सॉलिड का क्या होता है, एक शेप होती है डेफिनेट, और वॉल्यूम भी क्या होता है इसका, डेफिनेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट शेप और वॉल्यूम यहाँ पर क्यों है, क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी वजह से इसका शेप और वॉल्यूम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं। यानी कि एडेशन की फोर्स जो, सॉरी कोहेशन की जो फोर्स लग रही है यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से वो कैसा है, इंटैक्ट होता है, उसकी शेप भी फिक्स होती है और उसका साइज़ यानी कि वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ कोहेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम अगर इसके कंपैरिजन में लिक्विड देखें तो आपको मालूम है लिक्विड का शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता, आप जिस भी तरह के बीकर में उसको रखोगे ये उसी की शेप को ले लेता है, लेकिन वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स है कोहेशन की, जो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, मरकरी हो सकता है या कोई ऑयल हो सकता है, तो उसके अपने मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन की फोर्स लगती है उसको हम क्या कहेंगे, कोहेशन फोर्स कहेंगे। तो वहाँ पर जो कोहेशन फोर्स है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, जिसकी वजह से इसका शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होता लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम गैस देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ना तो शेप डेफिनेट होती है और ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ठीक है, जितनी भी जगह के बीकर में आप एक गैस को भरोगे वो उतना ही फैल जाती है। ठीक है, हालांकि उसकी डेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन वॉल्यूम उतना ही कवर कर लेती है। यानी कि गैस में क्या होता है, ना तो डेफिनेट शेप होती है अपनी और ना ही इसका डेफिनेट साइज़ होता है, या कह सकते हो वॉल्यूम होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो कोहेशन की फोर्स, जो अट्रैक्शन की फोर्स लगेगी गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसी वजह से क्या है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। सॉलिड में कोहेशन फोर्स सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लिक्विड में उससे कम हो जाती है, और गैस में सबसे कम, यानी कि जो मिनिमम कोहेशन की फोर्स होती है अगर हम मैटर कंपेयर करते हैं तो वो किसके अंदर देखने को मिलती है, गैस में देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा, कोहेशन फोर्स में अगर हम लिक्विड का एग्जांपल लें तो अगर मान लीजिए मरकरी हमारे पास गिवन है, मरकरी को अगर हम किसी बीकर में रखते हैं, या आपने थर्मामीटर देखे होंगे मरकरी थर्मामीटर, तो वो एकदम क्लीन होता है, मरकरी का लेवल ऊपर जाता है नीचे जाता है वो उसको वेट नहीं करता, जब ऊपर जाएगा ऊपर से फिर वापस नीचे आएगा तो जो ट्यूब होती है वो अंदर से बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब मरकरी जो है उस ट्यूब के सरफेस पे चिपक नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आपस में जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है मरकरी और ग्लास के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स है उसके कंपैरिजन में, यानी कि यहाँ पे कोहेशन ज़्यादा है। कोहेशन क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रही है, तो वो कोहेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एडेशन के कंपैरिजन में, जो इसके मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल से फोर्स लगाएंगे वो बहुत कम है, तो इसीलिए ये क्या करता है, ग्लास सरफेस को वेट नहीं करता है। ठीक है, अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, अट्रैक्शन की फोर्स हमने कही है लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मतलब ये एक ऑर्डिनरी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इन फोर्सेस को नाम दिया जाता है वंडरवॉल फोर्सेस का। ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस जो होती हैं ये एक्चुअली जो भी दो मॉलिक्यूल जिनके बीच में लग रही है उनके डिस्टेंस के 7th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इस तरह से हम मान सकते हैं 1/r 7 पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर r की वैल्यू थोड़ी भी कम करेंगे तो जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 1/r 7 पर यह क्या कर रही है, एक तरह से डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, एडेशन और कोहेशन की फोर्सेस होती हैं। तो अगर हम लिक्विड को किसी बीकर में लेकर रखते हैं तो जो लिक्विड के आपस में मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनके आपस जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिक्विड के उनकी में जो आपस में अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है उसको कहेंगे कोहेशन फोर्स, और लिक्विड और जो भी बीकर है, मान लीजिए ग्लास लिया है तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, एडेशन की फोर्स कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पर,
देखिए यहाँ सर्फ इस सरफेस पे, इस वॉल पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स और जो भी आपका क्या है ग्लास के मॉलिक्यूल हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बहुत पास हैं। पास होने का मतलब जो भी फोर्स यहाँ पे लगेगी एडेशन या कोहेशन की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और जैसे ये यहाँ से क्या करते चले जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, तो ये फोर्स क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। कौन सी एडेशन वाली फोर्स अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए ये क्या है ग्लास का सरफेस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है लिक्विड, यहाँ लिक्विड के पार्टिकल होंगे और यहाँ पर किसके होंगे, ग्लास के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पर दूरी कम है तो यहाँ फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। अब इस सरफेस से अगर आप दूर चलते चले जाओगे तो ये जो एडेशन की फोर्स है वो क्या होती चली जाएगी, कम, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट के बाद अब ये दूसरे सरफेस की तरफ जब जाने लगोगे तो फिर से फोर्स क्या होगी, बढ़ने चली जाएगी, ठीक है। तो ये होता है एडेशन की फोर्स, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श कोण क्या होता है, ठीक है। देखिए जब भी आप किसी कहीं पर भी सॉलिड और लिक्विड सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, या आप ये कह सकते हो कि आपने एक बीकर लिया और उसमें कोई भी लिक्विड आप उसमें डालते हो, तो जो सरफेस सॉलिड का और लिक्विड का एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होगा वो हमेशा कर्व्ड रहता है। यानी कि इस तरह से आप मान सकते हो, मान लो ये कोई बीकर है और इसमें आप कोई भी क्या ले रहे हो, लिक्विड ले रहे हो, तो यहाँ पर लिक्विड का वो सरफेस जो कि सॉलिड के कॉन्टैक्ट में होगा वो हमेशा क्या होता है, कर्व की फॉर्म में आता है। मान लीजिए कर्व इस तरह का आ रहा है, तो ये इस तरह के कर्व आपको यहाँ पर मिलता है। ये जो सरफेस है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये जो आपका बीकर था इसकी वॉल और जो भी लिक्विड आपने लिया है वो क्या है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। तो जहाँ पर ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ पर जो सरफेस होता है लिक्विड का वो कर्व्ड हो सकता है, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है, ये यानी कि ये कैसी शेप होगी, अगर ऊपर से आप देखते हो तो कॉन्वेक्स शेप मिल रही है और अगर इसको आप ऊपर से देखते हो तो कॉनकेव शेप मिल रही है। तो हमेशा जब भी आप किसी लिक्विड को किस में लेते हो, किसी बीकर में लेते हो, तो क्या होता है कि उसका जो भी सरफेस सॉलिड सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आ रहा है वो सरफेस हमेशा कैसा होगा, कर्व की फॉर्म में होगा। कॉन्वेक्स भी हो सकता है और कॉनकेव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि लिक्विड किस तरह का है, ठीक है। अब ये जो एंगल है कॉन्टैक्ट का, इसको आप निकालते कैसे हो, अगर मान लीजिए इस तरह से कोई लिक्विड है और उसका जो सरफेस है वो कैसा आ रहा है, कॉनकेव शेप में आ रहा है आपका, तो यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को आप कैसे निकाल सकते हो, जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी कि जहाँ पर क्या हो रहा है सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, दैट मीन्स अगर हमने ये बीकर लिया है तो बीकर की वॉल यहाँ पर क्या है, इस लिक्विड के लेयर के यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आ रही है। तो इस पॉइंट से जब आप इस कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो आपको इस तरह से एक टेंजेंट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो वॉल इसके कॉन्टैक्ट में है उस पे कोई टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो लिक्विड में अंदर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, जिस पोर्शन में लिक्विड है उस पोर्शन में हम क्या करेंगे, वॉल के अलोंग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये दो टेंजेंट जो आपको मिलेंगे इनके बीच के एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये वाला कर्व आपको मिल रहा है, ये कॉन्केव था, अगर कॉन्वेक्स आता है किसी लिक्विड के लिए तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये, ठीक है। अब इस वॉल का टेंजेंट ड्रॉ करोगे लिक्विड के अंदर की तरफ, तो ये जो एंगल होगा थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सबसे पहली बात तो है लिक्विड और सॉलिड जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है, यानी कि आपने ये जो बीकर है वो किस तरह के मटेरियल का है, कोई मेटल है या ग्लास है, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। और लिक्विड क्या नेचर का है, जैसे वाटर है तो उसके लिए जनरली क्या होता है, वाटर के लिए ये कर्व मिलता है, अगर मरकरी होता है तो कर्व आपको इस तरह का मिलता है। तो डिपेंड करेगा कि किस तरह का लिक्विड, यानी कि लिक्विड और सॉलिड जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है उनकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी आपने लिक्विड लिया है उसके ऊपर जो फ्री सरफेस है, यहाँ पर फ्री एरिया है, ये किस तरह का मीडियम है, एयर है या कोई गैस है या वैक्यूम है, इस पर भी क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है।
तीसरा इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड सरफेस। किसी लिक्विड सरफेस में अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई सॉलिड की ट्यूब रखते हैं, ठीक है, हमने ट्यूब ले ली, ये मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें लिक्विड है, ये कोई ग्लास ट्यूब है, एक बार हम इसको क्या करते हैं वर्टिकली रखते हैं और एक बार हम इसको क्या कर रहे हैं टिल्ट करके रख रहे हैं, तो इस इंक्लिनेशन से यहाँ पर क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, कुछ एंगल आ गया, इस इंक्लिनेशन पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड नहीं करेगा, जहाँ पर भी सरफेस यहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पर ये इस तरह से कर्व ही हो जाएगा और उतना ही एंगल पर कर्व होगा जितना कि वर्टिकली है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा सॉलिड का लिक्विड के रेस्पेक्ट में उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो थीटा की वैल्यू जो होगी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू जो होगी यहाँ पर बढ़ेगी, और अगर आप लिक्विड के अंदर कोई ऐसी इम्प्योरिटी डालते हो जो उसमें सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल मतलब जो उसमें घुल जाती है, जैसे लिक्विड पानी है, पानी में NaCl घुल जाता है, तो अगर इस तरह की कोई इम्प्योरिटी आप डालते हो लिक्विड के अंदर जो उसमें घुल जाती है, तो उससे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर सॉल्यूबल इम्प्योरिटी डालते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी वैल्यू घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। देखिए अगर आप एग्जांपल लें, एक कंडीशन हम ले रहे हैं, जब हमने ग्लास में क्या लिया है, वाटर लिया है, और दूसरी कंडीशन में हम ले रहे हैं मर्करी और ग्लास के कॉन्टैक्ट सरफेस पे क्या होगा, ठीक है। अब वाटर में क्या होता है, वाटर और ग्लास के केस में जो यहाँ पर एडेशन की फोर्स लगती है वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसका मतलब वाटर क्या करता है, जो अगर हम ग्लास में लेंगे उसको, किसी भी ग्लास के सब्सटेंस में, बीकर में ले रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो उस ग्लास के सरफेस को वेट करेगा, यानी कि उसकी चिपकने की वहाँ पर क्या होगी, प्रवृत्ति होगी। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, वाटर जब आप सरफेस के पास की बात करते हो, ये ग्लास की वॉल हो गई, तो इस वॉल के पास जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, कोहेशन के फोर्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास के सरफेस को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या होगा, कर्व जो यहाँ पर जो सरफेस होगा वो ऊपर की तरफ कर्व में आता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएंगे मिड तक, तो वो फोर्स जो होगी एडेशन की, जो वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में लग रही है, वो कम होने लगेगी। फिर यहाँ से जब दूसरी वॉल की तरफ जाओगे तो वो फिर से क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब जो मॉलिक्यूल इस सरफेस के पास है उनमें एडेशन का स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को क्या करना चाह रहे हैं, कवर करना चाह रहे हैं, तो वो ग्लास के सरफेस को वेट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो सरफेस होगा वाटर का वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो यहाँ जो सरफेस आपको देखने को मिलेगा नियर द वॉल, वो कैसा हो जाएगा, कॉनकेव शेप का होगा। ऊपर की तरफ से जब आप इसको देखते हो तो कैसा दिखेगा, कॉनकेव शेप का मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की अगर आप बात करो, तो आपको क्या करना है, कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वॉल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, लिक्विड की तरफ, तो आपको क्या मिल रहा है, एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो तो ये एंगल थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो अगर कोई भी लिक्विड वॉल्स को वेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि अगर उसमें क्या है, वॉल्स के पास एडेशन का फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में जो आपका स्फीयर होगा, जो आपका यहाँ पे कर्व आएगा, वो कॉनकेव शेप का होगा और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, यानी कि एक्यूट एंगल यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। इसका उल्टा मरकरी में अगर आप देखते हैं, क्योंकि मरकरी में आपको बताया था कि फोर्स ऑफ कोहेशन स्ट्रॉन्ग होती है एडेशन के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ग्लास के सरफेस यानी कि ये जो वॉल है, इसके पास का जितना भी मरकरी के मॉलिक्यूल्स होंगे
उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो मरकरी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रही है उससे कम है, तो ये क्या करेंगे, कम से कम जो है आपका जो ट्यूब है उसकी वॉल के कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेंगे, तो यानी कि यहाँ जो एरिया होगा वो कम होता चला जाएगा, तो ये जो कर्व होगा ये अब ऊपर की तरफ उठ जाएगा। दैट मीन्स अगर हम ऊपर से देखते हैं तो इसके लिए जो हमें कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कॉन्वेक्स शेप का मिलेगा। अब यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, हम कर्व पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वॉल पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे लिक्विड में अंदर की तरफ, तो ये जो एंगल थीटा है हमारा ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से देखने से आपको क्लियर पता चल रहा है कितनी है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो आपको एंगल मिल रहा है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, क्लियर।